मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। शराब पीने के दौरान हुए विवाद में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल यह पूरा मामला थाने के वर्तक नगर इलाके का है। मृतक का नाम दीपक नीरभव ने बताया जा रहा है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि शराब पीने के दौरान ये विवाद हुआ था और इस विवाद के दौरान एक आरोपी ने दीपक नीरभवने के सीने पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से दीपक नीरभवने की मौत हो गई और विलास और प्रशांत घायल हो गए थे। हालांकि इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में फरार 5 आरोपियों को थाने पुलिस ने नासिक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है जगदीश नरहीरे, वैभव जगताप, अजय धोत्रे, राकेश हागकरी और प्रदीप चौहान। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ जानकारी दी है इस पूरे मामले में आपको सुनाते हैं। 8 दिसंबर को रात 9 बजे साईनाथ नगर भीमनगर के एरिया में, पुलिस स्टेशन वर्तक नगर के एरिया में, दीपक निर्भव ने, प्रशांत निर्भव ने, विलास और उनके साथ जगदीश नरहीरे, वैभव जगताप, अजय धोत्रे, राकेश हाकरगी, प्रदीप चौहान, इनमें दारू पीने के कारण से कुछ झगड़ा हुआ था। उसमें आरोपी ने दीपक निर्भव ने के पेट में चाकू से हमला किया। उसमें दीपक निर्भव ने मृत हुआ है और प्रशांत निर्भव ने और विलास ये किरकोल जख्मी है। उसके बारे में पुलिस स्टेशन वर्तक नगर में ऑफेंस रजिस्टर किया, आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इन्वेस्टिगेशन में हमारे सहायक पुलिस आयुक्त श्री सोनव ने, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निकम, साथ में PSI शेट्टी, PSI यादव और उनके टीम ने 5 आरोपी जगदीश नरहीरे, वैभव जगताप, अजय धोत्रे, राकेश हाकरगी, प्रदीप चौहान, इनको नासिक से तुरंत गिरफ्तार किया है। उसके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है। कारण अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, प्राइमरी रीजन जो दिख रहा है वो दारू पीने के कारण से हो गया झगड़ा। जो आरोपी है मयत और उसके साथ में जो जख्मी है और ये गुने में जो अरेस्ट किए गए आरोपी है उनपे थाना एरिया में वर्तक नगर मुमरा पुलिस स्टेशन में कई ऑफेंस दाखिल हुए।